हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। और सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या पैकेट दिखा रहा है। एक मिनट जरा घर से बाहर निकलूँगा, इस अभी दिखाता हूँ आपको धूप में। अब देखो धूप में कि ये पैकेट है क्या। ये भाई इस पर रखता हूँ। ये देखो भाई, मड फ्लैप फॉर यूज इन इनोवा क्रिस्टा एक्यूरेट फिटिंग ओई टाइप सुपीरियर क्वालिटी फिटिंग किट के साथ दिए हैं। ये मैंने मड फ्लैप मंगवाए हैं और इन पे भी लिखा है फॉर यूज़ इन इनोवा क्रिस्टा। ठीक है भाई, अब भाई इनको ज़रा लगवाने चलते हैं। पहले तो मैं देख रहा था कि खुद ही लग जाए तो ज़्यादा ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि क्या हो गया, क्यों बदलवा रहे भाई। तो गाइज इसमें है ना, वो जो अभी लगा हुआ है वो गया है टूट। क्या हो गया है? वो टूट गया है गाइज। ये देखो, ये तो ठीक है, तीन तो ठीक है, लेकिन ये वाला टूट गया है, ये वाला। तो इसको बदलवाना है हमें। ये देखो, ये अच्छा नहीं लगता ना यार। मैं को पीछे से दिखाता हूँ आपको। इसको इस पे रखता हूँ एक बारी। ये देखो भाई, ये अरे कहाँ गया। ये देखो, ये रहा। ये देखो भाई कितना गंदा सा लग रहा है ना। तो मैंने चार मंगवा लिए, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि लगवाऊँ एक ही सिर्फ, क्योंकि ये चार नए रखे रहेंगे ना फिर आराम से। ये तो ठीक है, देखो ये भी ठीक है और इसकी कंडीशन भी ठीक है, इसकी भी कंडीशन ठीक है। ये नए हैं भाई, अभी लद्दाख में ही तो मैंने लगवाए थे, लेकिन वो समाओ टूट गया भाई। ये भी ठीक है, सारे ठीक हैं यूँ तो, यूँ तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो टूट ही गया भाई ये वाला। तो इसको बदलवा लेते हैं, चलते हैं बदलवाने के लिए। तो जो मैंने टोयोटा से लगवाए थे ना, तो वो भाई कितने के थे? मेरे हिसाब से 2500-3000 रुपये के थे, ज़्यादा के ही होंगे। मेरे हिसाब से 4000 रुपये के थे। मैं वो वीडियो कंफर्म कर दूंगा, वो क्लिप डाल दूंगा मैं पुरानी वीडियो की, उसमें देख लेना आप। और अब बिना मतलब के 3200 की चंटी लग गई मेरे, अब चारों ही बदले जाएंगे। ये एक तो आता नहीं है, बिना मतलब के लगी है ये 3200 की चंटी मेरे। अब ये भाई इनको अच्छे से टाइट कर देगा कि वो कितने के लगवाए थे, मैंने ये डाल दिए। अब चलते हैं तो कोई भी मकैनिक लगा देगा भाई, मकैनिक या डेंटिंग पेंटिंग वाला कोई भी लगा देगा। तो चलते हैं और इसको लगवा कर आते हैं गाइस, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती यार। ये देख लो, ये खुल गए हैं शीशे। चलो जी, एसी चला लेता हूँ, गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है। कोई भी लगा देगा ये तो। सब्जी वाले भाई ने भी गति निकल गई। हाँ, इस बात को भी भाई बहुत दिन हो गए, बहुत ज़्यादा। मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर 2022 में टूटा था ये। उसके बाद से मैंने कहा भाई छोड़ो, चलने दो। और हाँ, अभी यही मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर लिया था। मैंने अमेजोन पे डाला था मड फ्लैप फॉर इनोवा क्रिस्टा, तो ये सबसे ऊपर आ रहा था, स्पॉन्सर्ड था ये, तो सस्ता था औरों से। ये 600 रुपये का पड़ेगा भाई मेरे को विद इस पे डिलीवरी। मेरे हिसाब से 40 रुपये की डिलीवरी थी, तो 550 रुपये का ये था और 40 रुपये की डिलीवरी हो गई, तो 600 ही मान लो आप, मैंने 590 दिए। तो भाई 600 रुपये में मेरे को तो कोई माड़ा लगा नहीं। चार मैं सोच रहा था पहले चार ही बदलवा लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, तीन तो ठीक है ना, ये रखे रहेंगे, इनका क्या बिगड़ना है, ये तो बिल्कुल पैकेट में पैक्ड रखे रहेंगे। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये मैं रख लेता हूँ अपने पास और जब टाइम आएगा तो मैं इनको बदलवा लूँगा। ऐसी कोई बात तो है नहीं गाइस। क्या करना है भाई ओरिजिनल का? भाई 4000 रुपये का मैंने लगवाया था, फिर टूट गया वो। या तो ना मजबूत हो या कुछ हो, तो भाई इससे बढ़िया तो अब ना भाई 600 रुपये का ही मेरे को ठीक लगा। अब चल रहा हूँ मैं, अब इसको बदलवा लेते हैं और आपको मिलते हैं सीधा उनकी दुकान पर। चलो 3 2 1 गाइस, भाई के पास आ गए और भाई ने देखो आते ही हमें कोल्ड ड्रिंक पिला दी। भाई कैसे हो? भाई बढ़िया एकदम। ठीक हो? बड़े दिनों में मुलाकात करी। हाँ, काफी दिन बाद। हाँ चलो, तो भाई लगवा रहे हैं, भाई ये लगा रहे हैं। भाई क्या सिस्टम है इसका? ये मड फ्लैप ये आपको टूट गया है। हाँ, ये पीस चेंज होकर ऐसे हो जाता है जैसे कंपनी से लग के आया। अच्छा जी, बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। महसूस ही नहीं होगा जी। चलो, तो ये नट यही लग जाएंगे या दूसरे? चलो ठीक है गाइज, आपको कहीं पे भी आना है ये नंबर लिख लो, आपकी पूरी सहायता करी जाएगी। ओल्ड मलिक ऑटोमोबाइल बम्पर रिपेयरिंग, यहाँ पे आ जाना भाई के पास, फ़ोन कर आना। लेकिन भाई हो या ना हो, 100 चीज़ें होती है ना भाई जी। तो रिपेयर का काम होता है अपने यहाँ, डेंटिंग पेंटिंग और सारा काम होता है, एसी मैकेनिक डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ है, A to Z जी। चलो, तो मैं भाई का नंबर छोड़ दूंगा, आपको कोई भी सहायता चाहिए हो आओ, भाई कोल्ड ड्रिंक भी पिलाते हैं। चलो भाई कर दो, बाकी तो ये देख लो गाइस, ये सारे यहीं पे रखे हुए हैं,
मैंने, इनको छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, साइज सेम है अपना, वो चेंज हो जाएगा और काम बढ़िया हो जाएगा। स्प्राइट पी लो आने वाला है, ये कीचड़ में हो रहा है पूरा, टूट गया था ये, ये देख लो। अब ये किसी काम का तो है नहीं, ये तो बेकार हो गया, इसको यहाँ रख देता हूँ। ये नए वाला है अपना, ये लग रहा है इस पर, अब बढ़िया हो जाएगा काम। ये देख लो बिल्कुल एक्यूरेट फिटिंग आई है, ये देख लो नाश कर दिया, कबाड़ा कर दिया उस नंबर का भी नाश कर दिया। क्या यार, चलो कोई नहीं, अब अच्छी जगह आए हुए हैं हम, हल्का सा उठा के रखो, ये देख लो भाई बिल्कुल लाइन टू लाइन फिटिंग हो रही है अपनी। गल गया क्या ये बंपर? इस पे बॉडी पिलर चला दिया है ज्यादा। अच्छा अच्छा, इसी वजह से आता है। अपने ओरिजिनल ज्यादा बॉडी पिलर ना चढ़े ना पीस पे, पता ही नहीं चले। अच्छा हाँ, ये पेंटेड है जी, सही कह रहे हो। ये देख लो भाई, अब ये हिलना झिलना सब खत्म हो गया, गैप भी खत्म हो। हाँ गैप भी गया, सही बात है भाई, पेच एक ही लगा हुआ जो पहले लगा हुआ था। हाँ ये देख लो भाई, इसमें कोई एक काम करना। हाँ बताओ, इधर आते हैं ब्लैक, हाँ वो लगा लेंगे, वो लगा लो दोनों साइड, इधर भी इतना, इधर भी बिल्कुल ऐसा हो जाएगा एकदम एकदम फर्स्ट क्लास, कोई नुक्स भी नहीं दिखेगा। अब तो ठीक है वैसे तो, बम्पर तो ठीक है। चलो तो गाइज हो गया अपना, वो काम भी हो गया, ये भी हो गया, अब भैया की पेमेंट वगैरह करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। इस दोनों काम हो गए हैं अपने, वो मड फ्लैप भी लग गया है, और ये इसकी मैं बताता हूँ क्या हुआ था। एक्चुअली गाड़ी ना इंदौर में थी कुछ टाइम, जो अपने पुराने भाई होते हैं फॉलो जो करते हैं वो जानते होंगे कि हम कुछ टाइम के लिए इंदौर रहे थे, तो वो इंदौर में गाड़ी पापा रखते थे, मतलब इनोवा पापा की गाड़ी है भाई, मतलब सारी पापा की है वैसे तो, लेकिन पर्सनली ज़्यादा पापा इनोवा चलाते हैं, तो पापा इनोवा रखते थे इंदौर में जब, अरे यार ये यूँ ही कर लो, हाँ तो जब इनोवा रखते थे जब पापा, तो इंदौर, अरे क्या कह रहा हूँ मैं, जब पापा इंदौर थे तो भाई पापा के पास इनोवा रहती थी, ठीक है। तो क्या हुआ था, कहीं जा रहे थे वो, तो गाड़ी कहीं पे लग गई थी आगे से, तो आगे से ना, मैंने शायद एक आध बार बताया भी है किसी के ओनरशिप में बताया होगा, या तो दूसरे चैनल्स पे जो भाई ओनरशिप ले लेते हैं उनके चैनल पे बताया होगा, मैंने अपने भी बताया होगा कि गाड़ी लग गई थी, तो आगे का ये बम्पर वगैरह है ना ये पूरा मतलब लग गया था, मतलब मेजर थोड़ा ज्यादा का टोयोटा का जो आगे लोगो होता है वो सब काफी कुछ डैमेज हो गया था, तो हमने इंदौर के टोयोटा में, मतलब जो टोयोटा इंदौर में है ना वहां पे पापा ने गाड़ी दी थी क्लेम पे कि हमारा ये जो बम्पर वगैरह ये हुआ है सारा ठीक कर दो। तो भाई वो टोयोटा का मैं पेंट क्वालिटी बताता हूँ, टोयोटा की पेंट क्वालिटी अच्छी नहीं है, उन्होंने इससे मैच करने के लिए, जैसा अभी भाई ने बताया होगा, उन्होंने इससे मैच करने के लिए, ओरिजिनल पेंट से मैच करने के लिए बम्पर पे इतना पेंट लगा दिया कि भाई वो जो पपड़ी झड़ रही थी वो आप लोगों ने देखी होगी, तो वो भाई काम भी इन्होंने कोई बहुत अच्छा नहीं करा, टोयोटा इंदौर ने तो बहुत बेकार काम करा, अपने यहाँ का तो टोयोटा बहुत सही है मैं कहता हूँ आपको। और ऐसा नहीं है कि हमने किसी पप्पू उससे छिड़वाई गाड़ी, नहीं भाई हमने सिर्फ और सिर्फ टोयोटा में ही दी थी गाड़ी, मैं रहता नहीं था इंदौर, वरना मैं होता तो मैं वहीं पे ठीक कर देता, पापा ने करवाई थी वहां पे, अब इतना पता भी नहीं चला होगा पापा को भी, क्योंकि पापा ने भाई गाड़ी दे दी थी, वो घर से आया इंदौर वाले घर पे आया, और भाई वो इंदौर वाले घर से ही गाड़ी को लेके, और इंदौर वाले घर से ही भाई गाड़ी लेके भी चला गया, और भाई वो छोड़ के भी चला गया, तो पापा रात को आए, उन्होंने देखा कि भाई काम में तो मजा आया नहीं, फिर भाई कौन इतनी माथा का बच्ची करता है, अब ठीक है हो गई ठीक है, तो वो जब से ऐसी चल रही है, तो अब तो वापस आए भी बहुत टाइम हो गया हमें इंदौर से, तो भाई इंदौर के टोयोटा में मजा नहीं आया, तो ये चीज है गाइस, अब तो ठीक हो गया है, अब वो जैसा भी है वो आपने देख लिया, लेकिन इसमें क्या बीमारी हो गई थी मैं बताऊं आपको, जैसी गाड़ी 110 120 जाती थी ना, तो ये बंपर निकल जाता था, अब जैसे मैं ड्रैग रेस कर रहा था, तो ड्रैग रेस में तो भाई गाड़ी भागती है 130-140 भी जाती है, तो क्या हुआ था, तो क्या होता है कि जैसी 130-140 जाएगी हवा तेज चलेगी, भाई फोर्स तो लगेगा ही ना, हवा को काटते जा रही है, तो भाई इसने यहाँ पे निकल गया था, तो मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, इसको मैं हर बार हाथ से सेट कर देता था फिर चला लेते थे, फिर हाथ से सेट, अब इन्होंने पक्का इलाज कर दिया है, तो आपको भी अगर कुछ काम डेंटिंग पेंटिंग या कुछ भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, एसी की सर्विसिंग, गाड़ी की सर्विसिंग, कुछ भी मैकेनिक का भी कुछ भी काम होता है, तो मैंने नंबर छोड़ दिया, आप यहाँ पे इनको कॉल कर लो और आप अपना काम करवा सकते हैं, अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो, या फिर गुड़गांव में आप बाहर रहते हैं गुड़गांव में आपका ऐसा कुछ हो, अब भाई गाड़ी पीछे से देखने में भी अच्छी लगेगी और भाई अपना काम भी हो गया है। अपने जो तीन हैं वो तीन मैंने रखे हुए हैं संभाल के, वो मैं अभी ऊपर रख दूंगा। यही कुछ वीडियो थी गाइस, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक देखी तो बिना लाइक करे मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है, आपसे यही मेरी विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।